गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सार। देखिए, प्रत्येक संविधान की अपनी प्रस्तावना होती है, भारतीय संविधान की भी अपनी एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को शामिल किया गया। के एम मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लक्ष्यों को प्राप्त, तो इस तरह पूरी प्रस्तावना आपको लिखनी नहीं है। आपको जो प्रस्तावना में कहा गया है उसको लिखने का तरीका है, हम भारत के लोग, और फिर अंतिम लाइन आप लिख दीजिए। इसे अंगीकृत आत्मर्पित अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग, बाकी बातों को आप डैश डैश के माध्यम से दिखा सकते हैं, और फिर अंतिम लाइन इसे अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। यह संविधान है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्तावना में तीन शब्द और जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आपके प्रस्तावना का सार, मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूं, एक मिनट फिर देख लेना आप। संविधान की प्रस्तावना का सार, इस सार को हम तीन भागों में, एक तो घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्य भाग और तीसरा विवरणात्मक भाग में बांट सकते हैं। प्रस्तावना के सार को घोषणात्मक भाग कौन सा है, उद्देश्यात्मक भाग कौन सा है और विवरणात्मक भाग कौन सा है। आपने संविधान की अगर विशेषताएं पढ़ी है तो लगभग वो सारी चीजें वही है। जैसे जैसे और आगे लेसन हो जाएंगे इनसे रिलेटेड बातें भी आपकी आती जाएंगी। आप सिर्फ पॉइंट वाइज आप ध्यान देना, प्रस्तावना के सार को तीन भागों में घोषणात्मक भाग, उद्देश्यात्मक भाग और विवरणात्मक भाग में बांटा गया। अब घोषणात्मक भाग क्या कह रहा है, शुरुआत कहां से हुई प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, यानी संविधान किसके द्वारा निर्मित है, भारत के लोगों द्वारा, किसके लिए समर्पित है, भारत के लोगों के द्वारा, और सर्वोच्च शक्ति शासन की किसमें निहित है, भारत के लोगों में। यानी घोषणात्मक भाग में प्रस्तावना जो है आपकी, उस प्रस्तावना के घोषणात्मक भाग में यह है, हम भारत के लोग। तो इन्हें संविधान की निर्माता कौन है, भारत की जनता। संविधान द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति किसे प्रदान की गई, जनता को। तो ये घोषणात्मक भाग है। फिर उद्देश्यात्मक भाग, उद्देश्यात्मक भाग में पांच बातें हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। करीब करीब आप इन सब बातों का अर्थ से जानते हैं। तीन तो ये चीजें आपके संविधान की विशेषताओं में आ चुकी हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इनका अर्थ अर्थ लिखना है आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब वही है, संविधान जनता द्वारा जनता के लिए निर्मित है, शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। समाजवाद, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को शामिल किया गया है।
इसका आशय है कि संविधान का लक्ष्य होगा सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक समानता की स्थापना करना, सभी वर्गों का कल्याण, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, यह समाजवाद है। पंथ निरपेक्षता, समाज 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को भी शामिल किया गया। इसका आशय है कि राज्य का स्वरूप पंथ निरपेक्ष होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर सम्मान प्राप्त होगा, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका पूजा प्रचार, पूजा करने, प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होगी, शासन जनता का जनता के लिए होगा। और गणराज्य का मतलब होगा कि हमारे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा बल्कि वो निर्वाचित होगा। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति थोड़ी बनता है, वंशानुगत थोड़ी परंपरा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ नियत समय के बाद राष्ट्रपति के का निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं, और फिर उन चुनाव में जो विजय प्राप्त करता है वो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद प्राप्त करता है। तो भारत एक गणराज्य। फिर तीसरा है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग में है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, इनका आशय आपको लिखना है। ये विस्तार से इससे जुड़े हुए पाठ आ जाएंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन यह संक्षेप में ही आपको लिखना होगा। इनका अर्थ है आपको सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग, वर्ण, क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को योग्यता अनुसार काम प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान की प्राप्ति होगी और धन का समान नहीं उचित वितरण होगा, ये आर्थिक न्याय। इसके बाद है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आशय है कि प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को देश के शासन कार्यों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होंगे। विवरणात्मक भाग में अगली बात है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, रोजगार, भ्रमण, निवास आदि की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। समानता, समानता का मतलब आपने यहाँ पर पढ़ा ही था कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संविधान का लक्ष्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारे यहाँ आपने देखा होगा धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र की विभिन्नताएं हैं, अलग अलग कल्चर, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता पर जोर देना, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखने पर जोर देना, ये आपकी संविधान की प्रस्तावना का सार है। तीन बिंदुओं के अंतर्गत, घोषणात्मक भाग, उद्देशात्मक भाग और विवरणात्मक भाग के अंतर्गत आपको ये चीजें करनी है। धन्यवाद।